ब्रिजभूषण के खिलाफ अब तक क्या मिला, कहां तक पहुंची जांच, जाने दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान। लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा यौन शोषण मामले में आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही है। बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को पुलिस ने FIR दर्ज की थी। एक हफ्ता बीतने वाला है, आखिर अभी तक जाँच में क्या हुआ है, ये सवाल सबकी जुबा पर है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण आरोपों के मामले को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के उच्च सूत्रों से ब्रिजभूषण को लेकर एक्शन प्लान का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक पुलिस ने 4 बालिग खिलाड़ियों का 161 का बयान दर्ज किया है, वहीं नाबालिग का भी पुलिस ने 161 का बयान दर्ज किया है। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज किए। इसमें एक नाबालिग का मामला है जिसमें यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच में कुछ मामले 2012 और 2013 के हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस CDR CCTV फुटेज और टेक्निकल एविडेंस खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस की योजना बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी करने की नहीं है। नाबालिग वाला मामला 2022 का है, वहीं कुछ मामले 2012 और 2013 के हैं। पुलिस के हाथ नहीं लगा खास सबूत। सूत्रों के अनुसार अभी तक किसी तरह की चैट, CCTV फुटेज, वीडियो, CDR में भी अभी तक पुलिस के हाथ ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं लगा। यही वजह है कि बिना टेक्निकल एविडेंस जुटाए ब्रिजभूषण से पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया। ब्रिजभूषण से संपर्क करने से पहले पुलिस कोई ना कोई ठोस सबूत चाहती है, ताकि उसी हिसाब से ब्रिजभूषण से पूछताछ की जा सके। इससे पहले भी प्लेयर्स आए थे, लेकिन तब कोई शिकायत नहीं दी गई थी, इसलिए पुलिस अपनी जांच को टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से आगे बढ़ा रही है। फिलहाल किसी भी केस में कोई चश्मदीद गवाह पुलिस को नहीं मिला है। गुरुवार को याचिकाकर्ता पहलवानों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम यह मामला यहां बंद कर रहे हैं, अगर आगे कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।